अग्निपथ स्कीम से नाराज है एनएसयूआई के युवा, खून से पत्र लिखकर रक्षा मंत्री तक पहुंचाई अपनी बात। 3 साल पुरानी सेना भर्ती परीक्षा से पहले ही निरस्त कर दी गई। इससे आक्रोशित एनएसयूआई युवाओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अक्षय सिंह गुर्जर के निर्देशानुसार माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चुंडावत के नेतृत्व में खून से पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक अपनी बात पहुंचाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को खून से ज्ञापन लिखकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे युवाओं ने 3 साल पुरानी भर्ती को निरस्त करने का विरोध किया। में खून से लिखकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आर्मी भर्ती 2019 में लाखों युवाओं ने आवेदन किया था, जिसकी परीक्षा 2021 में जिन युवाओं को सेना भर्ती के अंदर जिन युवाओं ने बोर्ड पास की, जिन युवाओं ने मेडिकल पास किए और जिन युवाओं की परीक्षा बाकी रह गई थी, जिन युवाओं की परीक्षा करवानी थी, उन परीक्षा को रद्द किया गया है और जिनके कारण युवा आर्मी भर्ती सेना वाले युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, उन युवाओं के लिए आज हमने यहाँ खून से लिखकर ज्ञापन दिया गया। आज एनएसयूआई ने क्या नाम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, खून से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने ये मांग करी है, जो आर्मी भर्ती हुई जिसमें युवाओं ने अपने रनिंग करके और अपने फिजिकल से अगर सेलेक्टेड हुए हैं, उन युवाओं की परीक्षा होनी थी, किंतु केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। हमारी ये मांग है कि इस परीक्षा को पुनः कराया जाए और साथ ही जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षा के मामले में आत्महत्या की है, उन युवाओं को सेना सम्मान सहित मुआवजा मिले। हमारी ये मांग लगातार जारी रहेगी और इसके लिए हम अगर जो भी करना पड़े, हम सरकार के विरुद्ध भी जाना पड़े, हम जाएंगे और लगातार हम युवाओं की आवाज़ को हम आगे से आगे तक पहुँचाएंगे। खून से ज्ञापन ये लिखे जिस तरीके से युवाओं की जान जारी है, युवाओं का एक तरीके से खून ही बह रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी जिन युवाओं को खून बह रहा है, हम भी अपने खून देकर थोड़ा उनका योगदान दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, हमारा खून ही तो जा रहा है, वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार है। धन्यवाद आपका।